और आगे बढ़ते हैं इटावा से खबर। सपा महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव का बड़ा बयान सामने आया है। प्रयागराज मामले पर रामगोपाल यादव का ये बड़ा बयान, एक दो दिन में अतीक के बेटे की भी हत्या हो सकती है और अतीक के एक लड़के की हत्या हो सकती है। ये रामगोपाल का ये बयान सामने आया है। घटना के असली आरोपी नहीं मिल रहे हैं, ऊपर से दबाव है, जो पकड़ में आएगा उसको मार देंगे और पुलिस पकड़ ले फिर एनकाउंटर करे तो ये अपराध है, आज नहीं तो कल दूसरी व्यवस्था बनेगी। ये प्रोफेसर रामगोपाल यादव का ये बड़ा बयान सामने आया है। यहाँ पर एक दबाव ऊपर से है कि मारो, तो जो पकड़ में आ जाएगा उसे मारेंगे। अभी तो अतीक के लड़के को पकड़ ले गए पहले ही दिन, दो लड़कों को, पढ़ते पढ़ने वाले, उनमें से एक की हत्या हो जाएगी एक आध दिन में, आप देखिए। जब असल आरोपी नहीं मिल रहे हैं तो दबाव ऊपर से है कि मारो, तो जो पकड़ में आ जाएगा उसे मारेंगे। अभी तो अतीक के लड़के को पकड़ ले गए पहले ही दिन, दो लड़कों को, पढ़ते पढ़ने वाले, उनमें से एक की हत्या हो जाएगी एक आध दिन में, आप देखिए। देखिए बड़ी जानकारी, सपा महासचिव रामगोपाल यादव का ये बड़ा बयान सामने आया है। प्रयागराज की घटना पर बोल रहे थे रामगोपाल यादव और उन्होंने कहा कि एक दो दिन में अतीक के बेटे की हत्या हो सकती है, पुलिस पर दबाव है। तो प्रोफेसर रामगोपाल यादव का ये बयान सामने आया है। घटना के असली आरोपी नहीं मिल रहे हैं, सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। दो दिन में देखिए कुछ ऊपर से दबाव है और जो आएगा उसको मार देंगे, पुलिस पकड़ ले फिर एनकाउंटर करे, ये अपराध है और आज नहीं तो कल दूसरी व्यवस्था बनेगी। प्रोफेसर रामगोपाल यादव समाजवादी पार्टी के महासचिव, उनका ये बड़ा बयान सामने आया है और प्रयागराज मामले पर उन्होंने कहा कि एक दो दिन में अतीक के बेटे की हत्या हो सकती है। अतीक के बेटे की हत्या हो सकती है, प्रोफेसर रामगोपाल यादव का ये बयान सामने आया है। घटना के असली आरोपी नहीं मिल रहे हैं, पुलिस पर दबाव है और जो पकड़ में आएगा उसको मार देंगे, तो ये बड़ा आरोप जो है एक तरह से पुलिस पर, पुलिस पकड़ ले फिर एनकाउंटर करे तो ये अपराध है और आज नहीं तो कल दूसरी व्यवस्था बनेगी। लेकिन बड़ा बयान, अतीक के एक बेटे की हत्या हो सकती है, ये प्रोफेसर रामगोपाल यादव का बड़ा बयान सामने आया है। प्रयागराज मामले पर रामगोपाल यादव का ये बड़ा बयान इस वक्त सामने आया है। तो देखिए अतीक के लड़के की हत्या हो सकती है, घटना के असली आरोपी नहीं मिल रहे हैं, ये रामगोपाल का कहना है और ऊपर से दबाव है और जो पकड़ में आया उसको मार देंगे, पुलिस पर ये आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस पकड़ ले फिर एनकाउंटर करे, ये अपराध है और आज नहीं तो कल दूसरी व्यवस्था बनेगी। तो इस पूरे मामले में देखिए बयान सामने आया है सपा के महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव का। प्रयागराज के मामले पर रामगोपाल यादव का ये बड़ा बयान सामने आया है। एक दो दिन में उन्होंने कहा अतीक के बेटे की हत्या हो सकती है, एक दो दिन में अतीक के बेटे की हत्या हो सकती है। घटना के असली आरोपी नहीं मिल रहे हैं, ऊपर से दबाव है, जो पकड़ में आएगा उसको मार देंगे, प्रोफेसर रामगोपाल यादव का ये बयान सामने आया है। पुलिस पकड़ ले फिर एनकाउंटर करे, ये अपराध है और आज नहीं तो कल दूसरी व्यवस्था बनेगी। तो प्रयागराज मामले पर रामगोपाल यादव का ये बयान सामने आया है, एक दो दिन में अतीक के बेटे की हत्या हो सकती है। उन्होंने कहा घटना के असली आरोपी नहीं मिल रहे हैं, जो पकड़ में आएगा उसको मार देंगे क्योंकि ऊपर से दबाव है और पुलिस पकड़ ले फिर एनकाउंटर करे तो ये अपराध है, आज नहीं तो कल दूसरी व्यवस्था बनेगी।
जब असल आरोपी नहीं मिल रहे हैं तो दबाव ऊपर से है कि मारो, तो जो पकड़ में आ जाएगा उसे मारेंगे। अभी तो अतीक के लड़के को पकड़ ले गए पहले ही दिन, दो लड़कों को, पढ़ते हैं पढ़ने वाले, उनमें से एक की हत्या हो जाएगी एक आध दिन में। आप देखें, जब असल आरोपी नहीं मिल रहे हैं का ये बड़ा बयान सामने आया है। एक दो दिन में अतीक के बेटे की हत्या हो सकती है और ऊपर से दबाव है पुलिस के पकड़ में, जो आएगा उसको मार देंगे। अतीक के लड़के की हत्या हो सकती है, ये बड़ा बयान रामगोपाल यादव का सामने आया है, समाजवादी पार्टी महासचिव। और उन्होंने कहा कि घटना के असली आरोपी नहीं मिल रहे हैं, ऊपर से दबाव है, जो पकड़ में आएगा उसको मार देंगे। और इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता सीमा नकवी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सीमा, ये देखिए बयान सामने आया है, जिस तरह से उन्होंने प्रयागराज के मामले पर यह बयान दिया है रामगोपाल यादव ने, उन्होंने कहा कि एक दो दिन में अतीक के बेटे की हत्या हो सकती है और पुलिस पर भी कई सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं और समाजवादी पार्टी के तमाम नेता इस बात को कह रहे हैं कि अदालतों को ताला लगा देना चाहिए, इस तरह के बयान पल्लवी पटेल ने भी दिया और दूसरे विधायक भी दे रहे हैं, क्योंकि पुलिस अपने हिसाब से कार्रवाई कर रही है, कौन दोषी है कौन नहीं दोषी है इसको तय करना अदालत का काम है, लेकिन पुलिस जो है वो ताबड़तोड़ फायरिंग कर रही है। तो इन सब बातों को लेकर जो है वो कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं वो बयानबाजी कर रहे हैं, और सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि चूंकि हत्या हुई है, तमाम चीजें हुई हैं, पुलिस वालों की हत्या हुई है, तो पुलिस अपने हिसाब से कार्रवाई कर रही है, इसको लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता लगातार इस बात को कह रहे हैं कि अतीक अहमद के बेटे की हत्या हो सकती है, अतीक को जो है वो बुलाया जा रहा है दूसरी जगह से, उसकी गाड़ी पलट सकती, इस तरह की बातें जो है वो निकल कर सामने आ रही हैं। बहरहाल समाजवादी पार्टी लगातार इस चीज को कह रही है कि जो भी मुलजिम है उन पर अदालत के थ्रू कार्रवाई होनी चाहिए, पुलिस जो है वो ज्यादती करने का काम कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सीमा आपका इस जानकारी के लिए।